तो मम्मी ने मुझे पुराने जमाने की हीरोइन बना दी। मेरे पास तो ये पड़े हुए थे गजरे, मैंने इनका अच्छा सा क्राउन बनाया, आप लोग को दिखा दूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सफ़ाई के ऐसे होंगे, माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है जुम्मे का दिन, माशाल्लाह से आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। और पीछे जो है चिल्ला वगैरह जल रहा है, मैंने जो है अभी सारी सफाई वगैरह की है, कपड़े वगैरह अभी प्रेस किए हैं। और मेरा एक अदद भाई नहाने गया हुआ है, और अभी जो है मैंने आधे कपड़े प्रेस किए, आते रहते हैं मेरे रहते हैं, और एक सिर्फ भाई के किए हैं, तो अभी अपने भी कपड़े प्रेस करूँगी और सफाई वगैरह भी हो गई सारी। और खाने में बन रही है मसूर की दाल जो कि पड़ी हुई है, और गैस नहीं आ रहा, मशीन पड़ी हुई है क्योंकि जुम्मा है और गैस भी नहीं है तो मशीन लगाई है। तो खैर जो अभी अंदर तैयार हो रही है, कंघी वगैरह करवा रही है, और मैं भी अभी जो है नहाऊँगी, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई मैं जो है हा के नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद जो है थोड़े से काम वगैरह किए, अभी भी जो पीछे पानी गर्म होने के लिए पड़ा हुआ है। तो बस अम्मी ने जो है मुझे ये वाले कपड़े बना दिए हैं, मैं पहन रही थी दूसरे कपड़े, अम्मी ने मुझे ये पहना, मैंने वो देखो अपने निकाल के रखे हुए थे, वो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे थे, वो निकाले हुए थे, अम्मी ने कहा ये पहन, तो मैंने ये पहन लिया। तो अम्मी ने मुझे पुराने जमाने की हीरोइन बना दी। मेरे पास तो ये पड़े हुए थे गजरे, मैंने इनका अच्छा सा क्राउन बनाया, आप लोग को दिखा दूँ। अच्छा सा मैंने इनका क्रम बनाया और पहन लिया। और आज जो है अभी जाके अम्मी कह रही हैं कि जुमे वाले दिन, मामू ने कहा था कि मैं जुमे वाले दिन आऊँगा तो आपके हाथ का पुलाव खाऊँगा, मटर वाला पुलाव। तो अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं है, और अम्मी कह रही हैं अभी जाओ चावल वगैरह लेके आओ, सामान वगैरह लेके आओ, अभी अम्मी जाके बनाएंगी। तो मामू लोगों ने कहा था, तो अब बनाना तो है। अभी अम्मी कॉल वगैरह, अम्मी फ़ोन किए, जवाब आया, फ़ोन किया, मामू का नंबर बंद है, आंटी के भी नंबर बंद है, तो फ़ोन उठाएंगे तो बताएंगे। तो फिर जो है अम्मी जो है, मैं तो अभी सामान वगैरह लेने जा रही हूँ, फिर अम्मी पुलाव बनाएंगी, क्या पता आए। तो बस ये है कि अभी सामान वगैरह लेने जाना है, और फिर मैंने जो है मेकअप शेकअप भी थक लिया, मैंने कहा थोड़ा सा तैयारी हो जाती है, ऐसी फारिक बैठी हुई थी, कुछ करने के लिए था नहीं, मैंने टॉप पहन लिया, थोड़ा थोड़ा तैयारी हो जाती। और ये कहते हैं देखें आप लोग माशाल्लाह कितने प्यारे थे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनसे, और मैंने इनका वो बना लिया क्रम। बस मैंने अपना काम कर लिया, गजरे भी पहन लिए, गजरों की भी तस्वीरें बना ली, और ये भी पहन लिया, अभी इसकी भी वीडियो बना लूँगी, बस बात ख़त्म, इतना सा मेरा शौक है। तो बस अभी जो है अंदर अम्मी वगैरह बैठी हुई हैं, तो खाना वगैरह तो हमने खा लिया था, और सारे काम वगैरह भी हो गए। बस अभी जो है मैं जाऊँगी मार्केट, और मार्केट से चावल वगैरह लेके आऊँगी, मटर वाला पुलाव बनाना है तो वो लेके आऊँगी, और उसके बाद अम्मी जो है खाना वगैरह बनाएंगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या होता है साथ साथ, और साथ साथ दिखाते हैं। और आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरे पर ये कैसे लग रहा है। एक और मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी, वो उसमें मैंने बनवाया था आंटी की शादी में, तो वो दिखाऊंगी आप लोगों को, वो बड़ा ज़्यादा प्यारा बना था, तो वो दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो भाई मैं जो है अभी जो है सारा मसाला वगैरह लेके आ चुकी, पीछे देखें आप लोगों को अंधेरा भी होने वाला है, और जो मार्केट गई थी मैं सारा मसाला वगैरह लेके आई हूँ। तो अम्मी जो है मसाला वगैरह काट रही हैं, और अभी बनाएंगे, और लाइट भी आ चुकी है, अभी लाइट आई है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अभी लाइट आई है और गैस बिल्कुल भी नहीं था, तो अभी मशीन लगेगी, नहीं तो पहले हम लोग बना लेते, तो अभी मशीन लगेगी और फिर वो खाना बनेगा, और फिर आंटी लोग जो है शाम तक आएँगे। तो बस अभी हम लोग, अम्मी जो है मसाला काट रही है, और मैं जो है अभी बाहर रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ अपने लिए, और बस साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ, अम्मी जब बनाएंगी तब भी दिखाऊँगी थोड़ा सा, सही। तो भाई अभी जो है रात का टाइम हो चुका है, और अम्मी ने पुलाव वगैरह बना लिया है, और देखें अंधेरा भी हो गया है बिल्कुल, और पुलाव मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना मज़े का कोई बनाया, और ये देखें अंगीठी जो है बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, और माशाल्लाह से इतने मज़े का पुलाव बनाया, और सलाद चटनी वगैरह भी मैंने सब कुछ बना दिया। तो बस अभी जो है मेहमानों का वेट हो रहा है, वो आते हैं फिर बना खाना वगैरह खाएँगे, तब तक लाइट भी आ जाएगी, अभी जो है लाइट नहीं है, गई हुई है, जब तक लाइट वगैरह भी आ जाएगी। और बस अभी जो है काम वगैरह अम्मी का ख़त्म हो गया, अम्मी जो है आराम से अंदर जाके बैठ चुकी हैं, मतलब ये मेहमान आएंगे तो फिर जो है खाना वगैरह लगाएंगे, और फिर टाइम भी हो जाएगा, और अभी जो है मेरे वॉक का टाइम हो रहा है, तो देखती हूँ मैं वॉक पे भी जाती हूँ या नहीं। तो भाई आंटी लोग जो है अभी आ चुके हैं, आंटी लोगों का फ़ोन आया, मैंने वीडियो बनाई ही थी कि आंटी लोगों का फ़ोन आ गया, तो लाइट नहीं आई है, तो आंटी लोगों का फ़ोन आ गया, यहाँ पर जो है अम्मी अभी डाल रही है खाना, अम्मी जो अभी यहाँ पे खाना डाल रही हैं, साथ साथ अजवा भी वहीं पे खड़ी हुई है, देखें सारे जो है किचन में खड़े हुए। तो बस अभी अम्मी खाना डाल रही हैं, और अम्मी लोग को खाना वगैरह देते हैं, सारा सामान वगैरह अंदर रखते हैं, और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ, कुछ शर्म आती है थोड़ी सी,
तो बस इसलिए, और बस फिर लाइट भी आ जाएगी, खाना खाते खाते ही लाइट भी आ जाएगी मुझे लगता है। तो बस अभी हम लोग खाना वगैरह डालते हैं और फिर आप लोगों को भी बताते हैं क्या, उसके बाद खाने के बाद चाय वगैरह बनेगी, फिर वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, साथ साथ जो जो होता है वो दिखाऊंगी, ठीक है। भाई मैं जो है अभी अभी वॉक करके आई हूँ और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी आँखें भी ऐसी हो रही है नींद दिन वाली। तो खैर मैंने अभी जो है आपने भी चावल डाले थे, ये देखो अपनी डाले थे चावल, और फिर बात कि शुक्र है मैं सही टाइम पे आई हूँ, अम्मी ने चाय बनाई थी आज, सब कुछ अम्मी ने किया है, ये देखो अम्मी ने चाय भी बनाई थी मज़े की। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो शुक्र है टाइम पर चाय भी मिली। तो खैर अभी मैं जो है चाय वगैरह पीती हूँ और खाना वगैरह खाती हूँ, और लहबा भी आ गई, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। और खैर इस वीडियो को करती हूँ मैं यहाँ पे एंड, और मामू लोग जो है अभी भी अंदर बैठे हुए, खाना वगैरह दे दिया था और चाय वगैरह भी अम्मी ने खुद ही बना ली थी। तो बस ये वीडियो मैं यहाँ पे करती हूँ एंड, खाना वगैरह खाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ और फिर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये वाली वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।